डिजिटल रेप और मैरिटल रेप, ये दो शब्द आपने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर डिजिटल रेप क्या है और किस तरह अंजाम दिया जाता है? क्योंकि मैरिटल रेप के बारे में आपको इतनी जानकारी जरूर होगी कि पत्नी के मना करने के बाद भी अगर पति जबरन संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप करार दिया जाता है। हालांकि इसे भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भारत जैसे देश में आए दिन कोई ना कोई महिला मैरिटल रेप का शिकार होती है। अगर आंकड़ों की माने तो 82% महिलाएं पति की यौन हिंसा का शिकार होती है और 30% महिलाएं ऐसी है जिन्होंने पति की हिंसा को झेला है। और अब इस नए शब्द डिजिटल रेप के बारे में समझ लेते हैं। यूपी के नोएडा में यौन उत्पीड़न का एक अलग तरह का मामला आने के बाद डिजिटल रेप सुर्खियों में बन गया है। नोएडा का जो मामला सामने आया था उसमें पीड़िता का यौन उत्पीड़न तब शुरू हुआ जब वो महज 10 साल की थी। 15 मई को आरोपी की गिरफ्तारी तक उसका शोषण जारी रहा। मामले का आरोपी 81 वर्षीय कलाकार है। पुलिस ने IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। कैसे होता है डिजिटल रेप? नोएडा पुलिस ने बताया कि डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं होता कि इंटरनेट के माध्यम से किसी लड़की या लड़के का यौन उत्पीड़न किया जाए। ये शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब है अंक और अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार हाथ की उंगलियों, अंगूठा और पैर की उंगलियों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो। अगर इसे सीधे तौर पर समझें तो किसी महिला का यौन उत्पीड़न करते समय हाथ और पैर की उंगलियों का इस्तेमाल किया गया हो। साल 2013 के बाद बलात्कार का मतलब अब केवल सहवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब एक महिला के मुंह, मूत्र मार्ग, योनि और गुदा में किसी भी हद तक प्रवेश भी रेप की श्रेणी में शामिल होता है। निर्भया एक्ट का खंड भी विशेष रूप से कहता है कि किसी हद तक प्रवेश किसी भी वस्तु या शरीर का कोई भी हिस्सा जो लिंग नहीं है वो भी अब बलात्कार की परिभाषा के भीतर है। वहीं अब मैरिटल रेप की बात करें तो यौन हिंसा से पीड़ित 45% शादीशुदा महिलाओं के शरीर पर किसी न किसी तरह के जख्म के निशान हैं। 17% महिलाएं तो गहरे घाव, हड्डियां और दांत तोड़ने जैसी जातियों को भी बर्दाश्त कर चुकी हैं। वहीं 10% ऐसी हैं जिन्हें जलाया भी गया है। ये वो आंकड़े हैं जनाब जो ना सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि एक काले सच को भी सामने रखते हैं। इतने आंकड़े सामने होने के बावजूद भारत उन 34 देशों में शामिल है जहां मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इस पर सालों सुनवाई भी हुई और 3 जजों की बेंच में से 1 जज इसके खिलाफ रहे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।